नमस्कार प्रणाम। ये कोची लगा देने यार गजब बतिया लगा है एकदम। वो गाना हले बड़ी पुरान जिसमें सुन ला हो लाइकी हवे एटीएम के मशीन केहू डाले और केहू निकाले। तो मैंने आज ये बात करे ले इतना दिन बाद मूर्ख खल काम में इन बात करे लगा है यार। आज बतावे लाए भाई लोग के किस ग्राउंड पे है ना कि इतना दिन बाद हम दोनों बल्लेबाजा फिर से करे काहे आए है ना बिना हेलमेट बिना हेलमेट के। तो जी हाँ छक्का अब शुरू रहेगा और एकदम समझ रहे हैं ना आगे बढ़ के मारा जाएगा। बाकी आज खास करके दोनों भाई मतलब नए लुक में दिख रहे होंगे है ना। ये देखिए नीट एंड क्लीन है और हम सगरो वायरल है। तो बात ऐसा है कि अब बताएंगे आज कि मगहिया जवान काहे और क्यों गया था जेल, जेल। मैंने शुरू से लेके अंत तक गए तो क्या दिखा देखने को क्या मिला या फिर जब जा रहे थे गिरफ्तारी जब हुई मैंने कि बहुत उल्टा सीधा न्यूज मतलब मिली था कहानी कोई हमारे बारे में कुछ भी आके कह दे रहा है कह दे कुछ भी। हम निष्पक्षता से जैसे लोगों के बारे में बोलते हैं वैसे अपने बारे में भी बोलेंगे। अब देखिए बात रहा अरेस्टिंग का तो देखिए भाई शर्मा के ना सिनेमा इसे चौड़ा करके कह रहे हैं ना ये कोई रेप उप करे में थोड़े गए थे मर्डर मर्डर और डकैती में गए थे जी। अरे कोई छेड़खानी किए थे किसी के साथ जी नहीं ना तो चौड़ा करके हर इंटरव्यू में कह रहे हैं और आज आप सबसे भी कहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ बात है 13 तारीख के पिछले महीने सबसे पहले अगर किसी का अरेस्टिंग होता है तो स्टेशन से समर प्रताप सिंह का। जी हाँ अब क्यों होता है वो बताते हैं आपको। क्या है कि हम फिल्म शूटिंग करके 5 दिन पहले से घरे आए थे बैठल थे लेकिन प्लान था कि ले जाएंगे तब दोनों के ले जाएंगे समझ रहे ना था जिसे खुन्नस था एक्चुअली हुआ कहा था कि पिछली बार लोग शायद आए थे और हम किसी वजह से काम वाम पे दूर चले गए थे तो और हम भी मीटिंग में थे तो नहीं मिल पाए थे तो खुन्नस था। अब बात खुन्नस कैसे था से सोची अगर अकेले चल जाते हैं तो रगाड़ देता ही और ये चल जाता था हम रगाड़ देते तो प्लान दोनों के ले जाने का था फिल्म शूटिंग करके भी आ रहा था इसको स्टेशन से दबोचा गया और हमको घर से दबोचा गया। ये हुई अरेस्टिंग की बातें पहला अरेस्टिंग के बाद बताते हैं इसमें जब हम लोग हम पहले बैठल थे थाना में हम सोचे कि चलो गौतम भैया बच गया हटाइए और हम धराए घर तो दिखवे लगे गाड़ी में ये सोच रहे हैं चल कम से समारोह ना धराया थाना में बैठल थे देख रहे हैं कि उधर से ये भी चला ला रहे हैं और ये भी बैठल है हम देखे तो दोनों एक दूसरे के देख के शॉक कर गए समझे कि नहीं। अब बात रही कि किसके एवज में अरेस्ट हुए एक केस मसूरिया का था कि जीताराम मांझी जी का था समझे कि नहीं। तो बात है क्या कि जिस अरेस्टिंग में आए हुए थे एसआई साहब समझे कि नहीं तो वो थे SC ST थाना गया से बिल्कुल मतलब जीताराम मांझी जी के पार्टी स्तरीय जो केस किया गया था उसमें अरेस्टिंग हम लोगों की हुई थी और ये FIR लगभग 5 से 7 महीना पहले का था अब बात रही जब आप कारावास में जाइएगा तो हर लोग का प्रेशर और दबाव रहता है थाना में केस को निपटारा करने का प्रोडक्शन ले लेते हैं वहाँ पे जैसे आप जेल में चले गए तो पीछे से जितना केस था सब एक एक करके प्रोटेक्शन लग गया आपको लेना ही पड़ेगा मतलब जब तक बेल नहीं लीजिएगा तब तक जेल में रहिएगा रहिएगा। कहानी ठीक वैसा ही हुआ मतलब तीन तीन केस एक केस तो SC ST एक केस मसूरिया का जो कतोकरा हमने जान से मारे के मतलब FIR में ऐसे ही मेंशन है करवाया था और एक तो ऐसा है कि नाम ना लेना चाहेंगे ताकि झूठ मूठे कहानी हमें नहीं करना चाहते हैं मैंने फेमस करे वाला नचनिया बजनिया के गांव केस था। तो इस सब बात को छोड़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं फिर अब जब अरेस्टिंग हुआ तो प्रक्रिया ले जाने का बताते हैं। हाँ तो प्रक्रिया में यहाँ से हमको इनोवा गाड़ी से ले जाया गया वो भी AC गाड़ी थी बिल्कुल गर्मी के समय तो AC चलिए रहा होगा है ना बिल्कुल रोड पे यहाँ से 800 किलोमीटर है शेरघाटी वहां हम गए यहाँ से जाते के दौरान कहीं भी हमको कोई दिक्कत नहीं हुआ। ऊपर से जो पुलिस वाले जो पुलिस कर्मी थे वो चाय वाय पिलाते ले गए गाड़ी 2-3 जगह रोके एक बार चाय पिलाने के लिए एक बार मुर्गा खिलाने के लिए। ताहिर एक बात बताओ 5-star होटल दारू मुर्गा मिली थली उन्हें से भाड़वा तब इन्हें भी तो कुछ चार्ज बना ना है बिल्कुल तो भरपूर सेवा मतलब अरेस्टिंग देवल के लिए है क्योंकि देखा भाई सुशांत सिंह राजपूत जी के 2 महीना बाद DIG गुप्तेश्वर पांडे जी गिरफ्तार हुए आई जी उतना बड़ा कांड में और हमने कांड तो पते है और बड़का कांड रहते हैं तो 8 घंटा में बेल थोड़े हो जाती है बिल्कुल है कि ना। तो भर रास्ता मतलब खूब सुख सुविधा से बिहार में पहुंच लियो। अब बिहार में पहुंच लियो तो पुलिस वालन के सबसे पहला काम हुआ है जज साहब के सामने कस्टडी देना हमने कस्टडी लग लो
हुआ तो पूछा जा है कहीं आपको मार पीट गाली गलौज नहीं किया गया है, हालांकि हमने वहां पे नहीं बोले क्योंकि नहीं किया गया था उस प्रकार की चीजें हाँ। है ना, क्योंकि झूठ मूठ के छवि और लोगों का भी खराब होता कह सकते थे, तो इस प्रकार की ना मार पीट हाँ। ना कुछ वैसा चीजें हुआ था घटित। फिर कस्टडी से हम लोग जाते हैं जेल, कस्टडी देके जेल भेजा दिया जाता है हमको एक फोटो खींच के, क्योंकि वो अखबार में देना होता है। अब जेल की जब कहानी, हम लोग जेल में पहुंचते हैं तो मतलब सरघाटी जेल कैदियों की संख्या 317 होता है। जेल में सबसे पहले हम इसीलिए पहुंचते हैं कि हम पे उस समय दो FIR था, पहला गया का था और उससे पहले सरघाटी का था। तो इधर से जाते वक्त पहला जो थाना पड़ता है, जो जेल पड़ता है, वो सरघाटी होता है, और खेसारी लाल यादव का वहाँ पे सबसे पहला FIR होता है। बिल्कुल, तो आगे ना जाके पहले पीछे का ही केस सुलझाया जाता है, और इसलिए वो केस जब निपटारा होता है मतलब बेल होता है, इसके बाद कस्टडी SC ST थाने का लगता है हाँ। क्योंकि साथ में थाना प्रभारी भी थे। अब जब भी पड़ गए तो हम बताना चाहेंगे कि जैसे ही सरघाटी जेल के गेट का दरवाजा खुलता है ना, वैसे ही कैदियों को पहले से मालूम होता है कि समर और गौतम मगहिया जवान वाले भैया आ गए हैं। अब कहानियां वहां का सामने जब जाते हैं ना तो भीड़ होता है, मतलब वहां पे भी लोगों को मना किया गया प्रशासन सिपाही के द्वारा कि इस प्रकार की गैदरिंग ना कीजिए, किसी प्रकार की चीजें हो हमको कहिए बातचीत, मतलब वहां का विवरण नहीं कर सकते इतना लोगों का जेल में भी प्यार समर्थन। और क्या कहें आपको, जाते जाते ही सबसे पहले जो हम लोग को घेरे हुए थे बाल्टी साबुन, क्योंकि शाम हो चुका था लगभग, और हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बाल्टी साबुन टॉवेल मतलब खाना पीना है ना, जितना घर घर का बना रहता है उसके बाद खाइए, गए वहाँ पहले नहाए, कोई कल चला रहा है कोई बाल्टी, हम बोले भाइयों से, अगर भाई देख रहे होंगे तो उनसे वादा भी किए थे हम दोनों, मतलब 500 की संख्या में भर भर भीड़ लगता था, बताएं कि भाई बेल भी हो जाएगा ना, फिर भी आपसे बात करने के लिए 5 दिन और रहेंगे जेल में रहेंगे, है ना, ऐसी मतलब प्यार के कारण ऐसा हम लोग कहे थे। यहाँ बेल हुआ, अब हम लोग चलते हैं कहाँ, गया। 13 तारीख को अरेस्टिंग होती है, 14 तारीख को हमारा बेल हो जाता है, किसके केस में, खेसारी लाल यादव के केस। बिल्कुल, जो FIR फर्जी FIR करके जो फंसा रहा था, है ना। फिर इसके बाद 15 तारीख को एक दिन और सरघाटी जेल में कस्टडी में रखा जाता है, क्योंकि वहां का प्रक्रिया भी पूरा नहीं हुआ होता है। 16 तारीख को हम लोग जाते हैं गया कस्टडी देने, इसलिए हम लोग को वहां से ही गया जेल में भर्ती कर दिया जाता है। बाकी वहां भी लाख लाख धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया वहां के कैदियों को भी और वहां के सिपाहियों को भी, ताकि नाम तो सबका याद है लेकिन ले नहीं सकते क्योंकि प्रशासनिक लोग हैं वो लोग, और किसी प्रकार का सरघाटी से लेकर गया तक भी तकलीफें ना झेलना पड़ा। और क्योंकि देखिए तकलीफें उसी को होता है जो चोरी करे छिनारी करे, है ना, समझ रहे हैं, तो लंद फंदे वाले चीजें हम लोग तो किए थे नहीं, क्योंकि आपको पता है कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, सुखदेव, राजगुरु, बहुत सारे लोग देश के लिए लड़ने के लिए गए थे जेल, और हम लोग समाज के लिए लड़ने के लिए गए थे जेल। उसके बाद हमारा वहां पे कैसे भी 8-10 दिन हम गुजारते हैं बिना किसी फोन का, 6:30 बजे गेट लग जाना, दीवार देख के ताकते रहते थे क्योंकि फोन का आदत था, नॉर्मली किसी भी इंसान को हो सकता है। बिल्कुल, उसके बाद भोजपुरी का कलाकार, जो 2-3 कलाकार होते हैं, वो संगठन बनाते हैं कि मगहिया जवान को ऐसे नहीं तो केस करके ऐसे फंसाइए, माने एक केस से बेल होता नहीं है कि दूसरे केस का प्रोडक्शन लग जाता है। फिर उसके बाद दूसरा केस जीतन राम मांझी के कार्यकर्ता द्वारा जो लगाया गया था उसमें बेल मिलती है, पार्टी स्तरीय केस जो SC ST था उसमें बेल मिलता है, इस दिन हमारा रिलीज आता है, उस दिन हम सोचते हैं कि आज जाने वाले हैं, लेकिन फिर से एक और प्रोटेक्शन लग जाता है। हाँ बिल्कुल, है ना, वो प्रोटेक्शन की ज्यादा डिटेल हम लोग नहीं करना चाहेंगे, और प्रोटेक्शन में भी संभवतः जो टाइम रहता है कस्टडी का वो दिया रहता है, उतना दिन हम लोग झेलते हैं। और दूसरी बात क्या होता है कि उस कस्टडी के बाद क्या मतलब रवैया किस प्रकार से हमारे भगवान रूपी जज साहब ने अपनाया, वो तो उनको ही पता चल रहा होगा कि अगला बार से केस कैसे किया जाता हो, कैसे लिखा जाता है। हाँ। जी छेड़छाड़ बिना उपस्थिति के, बिना प्रेजेंसी के हो जाएगा, मतलब खैर है बहुत सारे में, और छेड़छाड़ हो जा रहा है पटना में, बिहार के पटना में, समझ रहे हैं ना, इतना गलत बात है ये। अरे तो ये है, बाकी तो देखिए रहे हैं कि क्या क्या हुआ। खैर फिर हम ज्यादा लंबा वीडियो नहीं जाने देंगे, नहीं तो फिल्म लगा के देख रहे हैं। 32 दिन बाद हम लोग बाहर आते हैं, जैसे ही बाहर आते हैं हमारा दिल फिर से गदगद हो जाता है, बाकी अंदाज देखे हैं बाहर कहाँ लगता था, 10-15 गाड़ी ऐसे ही लगा रहता है, फूल मारा,
चढ़ता रहता है, मतलब और गर्व से साथ छाती और चौड़ा हो जाता है, क्योंकि लोगों को पता था कि आज भाई जो निकला है ना, आज कारण यही है कि आज जो भी पाबंदी लगा है अश्लील गानों पे, माँ बहन बेटियों के गानों पे, जातिवादी गानों पे, वो सिर्फ और सिर्फ दोनों भाइयों का देन है। तो पहले फिर से जितने भी लोग हमारे लिए आशीर्वाद मांग रहे थे, हमारे लिए दुआओं मांग रहे थे, और जितने लोग केस के लिए परेशान थे कि भाई कब निकलेगा क्या निकलेगा, आज भाई आपका सामने है, है ना, क्योंकि सत्य की हमेशा जीत होती है, और आप लोगों का आशीर्वाद और दुआ काम आया है ना। बाकी वैसे नफरत करने वाले लोगों को भी धन्यवाद, क्योंकि अगर तुम नफरत नहीं करता तो हम सब यहाँ पॉपुलर नहीं होते। बिल्कुल, पहले जितना हम पॉपुलर थे उससे कहीं एक गुना और ज्यादा हो गए हैं, है ना, और शायद जाते इतना भी कह देंगे एफआईआर करने वाले वालों को। और जो ये बोलते हैं कि एफआईआर और जेल, तो भैया एक और चीज सुन लीजिए, जो हम पे एफआईआर किया था ना वो खुद जेल होके आया था, और जेल इसलिए होके आया था कि किसी बेटी नारी का असम्मान। जी हाँ, आपको बता दें कि मसूरिया भी जेल गया है, वो गाना गाया था टेनिस वाले सानिया जाके बसले पाकिस्तान, हाँ मतलब दुल्हा खोजले पाकिस्तान, तो मैं आपके मतलब जो ही मौसेरे चचेरे समझ लो वो भी गया था जेल, तो जेल ऐसा नहीं है, बात मतलब नहीं है, समर और गौतम चल गया ऐसा कुछ नहीं है ना, बहुत लोग गए थे, और बाकी सिकन चेहरा पे ना कल दिखा होगा जाते समय, और शायद आज भी दिख रहा होगा, है ना, बाकी इस प्रकार की आगे भी ना दिखेगा, है ना, नहीं दिखेगा, और बाकी जंग आजीवन जारी रहेगा, संभवतः जो भी प्रयास रहेगा। और एक चीज और खुशी हुआ, आभास भाइयों ने नहीं होने दिया, हम लोग को अंदर में रहते अश्लील गाने भी आए, और विरोध हम लोग नहीं थे, फिर भी लोगों ने किया, इस जागरूकता का पहचान है, और हम लोग जगाने का ही काम कर रहे हैं, है ना, बाकी दाढ़िया थोड़ा सा काटा ला लही है, फिर भी मगहिया मगहिया जवान झुकेगा नहीं साला।